Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So हमने previous lecture में discuss किया था about the subject of direct tax. तो आज के session में हम discuss करेंगे Advanced Financial Accounting MCOM Semester 3 में क्या पढ़ना है, कौन से ऐसे topics है जिसके ऊपर हम focus कर सकते हैं so that आने वाले exam में हमको overall अच्छे marks मिले, या जिन लोगों को डर लग रहा है कि हम लोग पास होंगे कि फेल होंगे, वो भी अगर ये चैप्टर्स प्रॉपरली पढ़ के जाएंगे तो आपको ये जो डर है आपका चला जाएगा. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन विच चैप्टर्स टू फोकस. तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला जो कॉस्टिंग का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए. तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ओवरऑल इसमें काफी इजी टॉपिक्स है. पहला तो इसमें काफी इजी टॉपिक्स है और इसमें जितने भी टॉपिक्स है उसमें आपको सारे टॉपिक्स में पोस्टिंग के जो है वो मार्क्स मिलेंगे. स्टूडेंट्स आर मोर अफ्रेड अबाउट कॉस्टिंग, तो वो भी मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि आपको क्या क्या उसके ऊपर फोकस करना है. यू विल गेट मार्क्स ऑफ पोस्टिंग इन एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो देखो सबसे पहले अगर हम एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हियर वी आर हैविंग मेनी टॉपिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स के मैक्सिमम टॉपिक्स है एंड अगर फाइनल अकाउंट्स के मैक्सिमम टॉपिक्स है तो वहां पे आपको पोस्टिंग के मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक जो आपको पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी. ठीक है, फॉरेन करेंसी का आपको चैप्टर जो है वो पढ़ना है. काफी ईजी है, इवन इफ यू स्टडी 2 to 3 क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी आपको ये टॉपिक आ जाएगा. और मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे क्या क्या होता है, कैसे आपको इसके ऊपर फोकस करना है. पहले हम ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एमकॉम में जॉब करते हैं, काफी सारे बच्चे एग्जाम के लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए सोचते हैं एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द स्टडीज एंड देन केटी लग जाता है. तो इसके लिए आपको ये चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर्स पढ़ के जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली पास हो जाओगे और आपको प्रॉपर अगर आपकी अपने इसमें पोस्टिंग वगैरह की तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट आल्सो. फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी क्या है? बेसिकली फॉरेन करेंसी में फाइनल अकाउंट्स ही प्रिपेयर करना है. एक कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करना है जहां पे हम डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं या फिर रुपीस को हम डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं. मैंने डॉलर लिया है, आप कोई भी करेंसी यहाँ पे एज एन एग्जांपल ले सकते हैं. तो दैट इज द टॉपिक नंबर फर्स्ट विच यू हैव टू स्टडी. ये पहला यही पढ़ना बिकॉज इस चैप्टर में तुमको 15 मार्क्स जो है वो फुल मिल सकते हैं बिकॉज ये काफी ईजी टॉपिक है. तो अगर ये ईजी है तो हमको ये सबसे पहले इसको पढ़ना है और एग्जाम में भी इसी को अटेम्प्ट करना है. सेकेंड जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग. ठीक है, अभी ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग की बात करें तो हियर वी आर हैविंग वेरियस शेड्यूल्स. हियर वी आर हैविंग टू फॉर्मेट्स, वन इज ऑफ इनकम दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनदर फॉर्मेट इज ऑफ बैलेंस शीट. तो दो फॉर्मेट्स है आपके पास. ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है पूरा फॉर्मेट बेस है. ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, फॉर्मेट बेस है. अगर फॉर्मेट आपने एक बार पढ़ लिया पी एंड एल का भी, इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम, ऐसे बहुत सारे उसमें है पॉइंट्स, तो वो आपको ध्यान रखने हैं एंड उसके साथ आपको बैलेंस शीट के भी पॉइंट्स बनाने हैं. पहले तो ये चैप्टर जो है ये काफी लेंदी है और इसमें आपको टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा बिकॉज फॉर्मेट बनाना है, फिर फॉर्मेट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में पोस्टिंग करके उसको क्लोज करना है, देन वी विल बी पोस्टिंग इन द फाइनल अकाउंट्स दैट मीन द फॉर्मेट एंड देन आफ्टर दैट टैली करना है. तो काफी लेंदी है बट एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जितना लेंदी होता है उतना ईजी टू स्कोर होता है. ये हमेशा याद रखना बिकॉज द चैप्टर्स विच आर लेंदी वहां पे आप जितनी भी पोस्टिंग सही करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जितना चैप्टर छोटा होता है उतना चैप्टर में स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो दैट वी हैव टू रिमेम्बर. फर्स्ट चैप्टर है फॉरेन करेंसी जो आपको पढ़ना है. सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग जहां पे पूरा फॉर्मेट मैंने आपको अभी बताया. तीसरा चैप्टर वो भी काफी ईजी है, वो आपको पढ़ना कौन सा है चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना है. कौन सा पढ़ना है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये भी चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट वेयर स्टूडेंट्स कैन गेट केटी। यू विल गेट केटी ओनली इफ यू विल नॉट अटेम्प्ट द पेपर और यू विल कीप द पेपर ब्लैंक, यू विल नॉट सॉल्व एनीथिंग इन द पेपर, देन तो फिर केटी लगने ही वाला है। लेकिन अगर आप, मैं जितना बता रहा हूँ उतने चैप्टर्स को फोकस करके गए, थोड़ा बहुत भी पोस्टिंग पोस्टिंग करके आए, तो भी आपको 40 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स जो है आपके वो मिल जाएंगे। 60 में से आपको पासिंग मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि लिए भले आप पूरा सम गलत भी करके आ गए, लेकिन जितनी पोस्टिंग आप सही करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपको यहाँ पे जो है 15 मार्क्स का आपको फॉर्मेट पूछा गया है, 15 मार्क्स का फॉर्मेट है, और 15 मार्क्स के फॉर्मेट में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, दिस थ्री टॉपिक्स वी हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, वी हैव टू स्टडी फर्स्ट। द चैप्टर नंबर 1 इज फॉरेन करेंसी, द चैप्टर नंबर 2 इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, एंड द चैप्टर नंबर 3 इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जैसे ही आपकी ये तीन चीजें पढ़ के हो जाएगी, वैसे अभी मैं आपको एक थोड़ा ट्रिकी टॉपिक पे आता हूँ, फोर्थ नंबर। देखो ये तीन टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो आपके पेपर, आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंश्योरेंस वाला भी चैप्टर पेपर में एज एन कंपलसरी में आ गया। समझो अपन एक नेगेटिव चीज सोच के जाते हैं, मतलब वैसा होगा तो फिर सब फंस सकते हैं। क्या कि अगर इंश्योरेंस के ऑप्शन में इंश्योरेंस आ गया फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए ये पहले तीन टॉपिक पढ़ने के बाद इंश्योरेंस चैप्टर पूरा ब्लैंक मत छोड़ो, एटलीस्ट उसमें से बेसिक चीजें, रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाना है, फिर उसमें वो क्लेम का कैलकुलेशन कैसे करना है, काफी इजी है वो चैप्टर भी। तो ये आपका टॉपिक बन जाता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आई थिंक आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे कि मैक्सिमम जो भी आपको चैप्टर्स है वो सारे के सारे जो है वो फाइनल अकाउंट्स ही है। पहला चैप्टर में भी आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग पीरियडल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो अकॉर्डिंगली दिस फोर टॉपिक्स आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन फाइनल अकाउंट। प्रॉब्लम नंबर 1 टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है काफी टाइम लगेगा, और प्रॉब्लम नंबर 2 जिसका स्पीड अच्छा है वही ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फटाफट कंप्लीट करके पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देगा। नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे का पेपर इनकम्प्लीट हो सकता है, क्योंकि वो लोग स्लोली सॉल्व करते हैं। इतने टॉपिक्स आपको पहले फोकस करना है, पहला दूसरा तीसरा, और फोर्थ नंबर का टॉपिक आपको तभी पढ़ना है जब आपके ये तीन टॉपिक्स अच्छे से हो जाए। ये तीन टॉपिक्स होने के बाद ही आप फोर्थ नंबर पे जाइए। फोर्थ नंबर वाला टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह ध्यान रखना है, एंड उसमें क्लेम्स वगैरह के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद आपको ईयर वाइज डेटा दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, बट इफ यू नो देन इट विल बी इजी फॉर यू, अदरवाइज इट इज लिटिल बिट ट्रिकी। तो ये तीन टॉपिक्स आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस का जो चैप्टर है वो करना है। आई होप कि आपको इसके बेसिस पे एक ओवरव्यू आ गया होगा कि एग्जैक्टली एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या करना है, और इसमें केटी बहुत सारे बच्चों को नहीं लगता है बिकॉज पोस्टिंग के मार्क्स है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग, बिकॉज वही एक प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो, एंड देन यू विल गेट सम वीडियोज ऑल्सो ऑन टैक्सेशन वगैरह के वीडियोज भी आपको आने वाले वीक में जो है वो मिलने वाले हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।